हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो में अली हमादी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान मुबारक। आज पहली सहरी है और आपका भाई घर पे कैसे बैठ सकता है, इसलिए मैं आज आया हूँ पाक दरबार। अगर पाक दरबार का आपने खाना नहीं खाया है तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। इनका खाना बहुत आउट क्लास है, बहुत टेस्टी है। आज देखते हैं कि अंदर जाके कि हमारे लिए सहरी में क्या क्या चीज़ें हैं, हम लोग क्या क्या चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी फेवरेट डिश तो मुझे मालूम है, मैं वही ऑर्डर करने वाला हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगा कि सहरी में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल डेज़ में भी 2-2.5 बजे तक खुला रहता है, 3 बजे तक भी खुला रहता है, लेकिन रमज़ान में ये फजर तक खुला रहेगा। ये तो चलते हैं अंदर और देखते हैं हमारे लिए खाने में यहाँ पे क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। आइए, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र यार, कुछ नाश्ता पानी करा दो यार। हाँ, कुछ नाश्ता पानी करा दो यार। आप लोग आ जाओ। क्या खाओगे? पाया, तैयारी, कीमा, हली, मगज, कले। बाकी भी इनका खाना बहुत अच्छा है, मैं ले जाता रहता हूँ, तो बहुत टेस्टी है। और स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है यहाँ पे। एक दो लोगों को मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। चाय। थैंक यू। कोशिश करूँगा रमज़ान में ही, मैं सैरी अगर कहीं कोई और रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो मैं साथ उसकी वीडियो वगैरह बनाता रहूँ और आपको नए नए रेस्टोरेंट को विज़िट कराता रहूँ। मेरे लिए तो ये एक पराठा ही इनफ है, क्योंकि हैवी है, मतलब बड़ा पराठा है उनका, ये क्रिस्पी है। जो भाई लोग फूड ब्लॉगिंग करते हैं मुझे समझ में नहीं आता वो कैसे करते हैं और कितना है, इतना सारा कैसे खा लेते हैं, कुछ नहीं होगा। सहरी का टाइम वैसे 3 बजे से स्टार्ट होता है, मैं पहले आ गया। मेरी हालत तो एक पराठे में बस हो गई। अच्छा, बड़ा और हैवी पराठा। आज असल में वीक डे है और इंशाल्लाह वीकेंड में फिर फैमिली के साथ निकलूँगा, क्योंकि तो हमारे हर रमज़ान में सहरी ज़्यादातर बाहर ही होती है, हम लोग घर में बहुत कम करते हैं। बेहतरीन कड़क चाय है और मुझे रेस्टोरेंट के खाने बहुत कम पसंद आते हैं, मतलब मुझे, मैं बहुत चूज़ी हूँ, मुझे
रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं आता है और इसका खाना मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। थैंक यू। कितनी ब्रांच है बर्दवाई में? अच्छा 26 है, 26 हो गई है। अभी जो आगे ना 13 में वाटर फ्रंट जो है, हाँ उधर एक नई ब्रांच है, 3 दिन पहले हो गई है। उसका व्यू बहुत अच्छा है, सुना है आगे पानी है, कार में शो कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं एक्चुअली बैंक ऑफ बड़ौदा उस साइड पे रहता हूँ तो और दो तीन दफ़ा यहाँ से आइस प्लांट वगैरह वहाँ पे ले जा चुका खाना वगैरह। ये तो मुझे पहचानता है, ये तो मैं पहले भी आ चुका हूँ फैमिली के साथ। अरे तुम्हारा फैमिली हॉल कोई है तो नहीं अंदर? क्या कोई नहीं? ये फैमिली हॉल भी, अगर किसी फैमिली को लेकर आना है फैमिली हॉल भी आते हैं। हाँ थैंक यू ब्रदर। इनका बाहर भी सीटिंग एरिया है।